मर रहा हूँ कला। वहाँ पे पंचायत की जो मुखिया है ब्रजेश कुमार उर्फ मोना, वो एकदम अपाचे से एकदम पूरा स्पीड में आते हैं और ठोकर मारते हुए एक बार जो है बोलते हैं कि आज तुम्हारी हत्या ही कर देंगे, और पिस्टल चमकाते हुए बोलते हैं कि आज बताते हैं तुमको कि भ्रष्टाचार का बहुत विरोध करने का तुमको मन है। और वह उस सब रखते हुए फिर अचानक क्या करते हैं कि वहाँ पे रखे हुए एक सोटा उठाते हैं और सोटा से बुरी तरह से हमको जोर जोर से पीटने लगते हैं। ठीक मार रहा हूँ कल, देख ले ली ना सर, मार रहा हूँ कल। कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कभी कभी भी घटना। दबंग छवि के लोग हैं, शराब माफिया, इन पे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे लोग हैं हमारे पंचायत के मुखिया, इनकी छवि बहुत ही खतरनाक है। तो हम आशंकित हैं, पूरा परिवार आशंकित है। जानमाल की सुरक्षा के लिए भी हमने बड़े पदाधिकारी से बात की इस संबंध में। जी, पंचायत में मनरेगा का काम चल रहा था जो कि जेसीबी ट्रैक्टर से चल रहा था। इसका मैंने विरोध प्रतिरोध किया था और 13 तारीख को मैंने आवेदन भी किया था DDC मुजफ्फरपुर, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर एवं प्रखंड और मुख्यमंत्री जी को भी। इसका भी उनके पास खुनस था। मैं कल 28 तारीख को मैं गया था देखने के लिए कि क्या काम चल रहा है, और देखने के क्रम में लौटते ही वहाँ पे पंचायत की जो मुखिया हैं ब्रजेश कुमार उर्फ मोना, वो एकदम अपाचे से एकदम पूरा स्पीड में आते हैं और ठोकर मारते हुए एक बार जो है बोलते हैं कि आज तुम्हारी हत्या ही कर देंगे, और पिस्टल चमकाते हुए बोलते हैं कि आज बताते हैं तुमको कि भ्रष्टाचार का बहुत विरोध करने का तुमको मन है। और वह उस सब रखते हुए फिर अचानक क्या करते हैं कि वहाँ पे रखे हुए एक सोटा उठाते हैं और सोटा से बुरी तरह से हमको जोर जोर से पीटने लगते हैं। इसी क्रम में वहाँ के लोग छोटा हटा के रखते हैं तो ईंटा से हमको मारने लगते हैं, और बुरी तरीके से उन्होंने हमको पीटा है। इसकी शिकायत हमने थाना प्रभारी महोदय से की है, पियर थाना से, और हम प्रशासन से कार्रवाई की आस में बैठे हुए हैं। 24 घंटा हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई की बात नहीं हुई है। जी, आवेदन पीआर थाना में दिया है हमने। देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना जायज है, लेकिन अब लोकतंत्र में विरोध होगा और विरोध में जनप्रतिनिधि अगर ऐसा करते हैं तो यह बहुत दुखदाई है। क्योंकि लोगों को सोचना चाहिए कि मैं कोई गलत आवाज़ नहीं उठाता हूं, मजदूरों की हक की बात करता हूं, कि मनरेगा में भारत सरकार की योजना है मनरेगा, उसमें गरीबों को हक मिले। कागजी तौर पर केवल काम चल रहे हैं, ज़मीनों पर कुछ काम सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, और इसकी आवाज़ में लगातार कई वर्षों से 2018 से मैं इसके लिए लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ, और हमारी संघर्ष आगे भी जारी रहेगी। हो सकता है हो न हो ये लोग हत्या भी हमारी करवा दे, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कभी कभी भी घटना। दबंग छवि के लोग हैं, शराब माफिया, इन पे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे लोग हैं हमारे पंचायत के मुखिया, इनकी छवि बहुत ही खतरनाक है। तो हम आशंकित हैं, पूरा परिवार आशंकित है। जानमाल की सुरक्षा के लिए भी हमने बड़े पदाधिकारी से बात की इस संबंध में। नीरज कुमार मेरा नाम हुआ, और पंचायत के मुखिया ब्रजेश कुमार उर्फ मोना जी, वही हम पे हमला किए हैं। और वो हमला किए हैं, और हमला करने के बाद जब लोगों ने उनसे पूछा है कि भाई, तो बोलते हैं कि हम बाहर हैं, दो दिन से बाहर हैं। तब हमने एक छोटा सा क्लिप हम बना पाए हैं, उन्होंने मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया, और छोटा सा क्लिप हम बना पाए हैं, और छोटा क्लिप देखने से पता चल सकता है कि कैसी स्थिति है और कैसी उनकी दबंगता है। मुखर होकर अपनी दबंगता को दिखा रहे हैं। बनाए थे हम, पीछे से हम थे और हम ही बना रहे थे। प्रशासन से मांगे कि इनकी गिरफ्तारी हो, कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि एक आम जनता अगर किसी जनप्रतिनिधि को मारता तो अब तक हाजत में होता और वो जेल भेजा गया रहता, और एक आम जनता को अगर कोई जनप्रतिनिधि कुछ करता है तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई की आस में लगे हुए हैं, नहीं तो जन आंदोलन होगा, आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, चाहे जिस परिस्थिति में हो, लड़ाई तो हम लड़के रहेंगे।